और अब अतिथियों का आशीर्वचन हमें प्राप्त हो। मैं सबसे पहले आग्रह करूंगा, हमारे यहाँ विशिष्ट अतिथि के रूप में मंचासीन हैं श्री अमलेश्वर चतुर्वेदी जी, जो केंद्रीय राजभाषा समिति एवं पश्चिम रेल विभाग के सदस्य हैं। केंद्रीय राजभाषा समिति के भी सदस्य हैं और पश्चिम रेल के भी सदस्य हैं। और आपको मालूम भी है अमलेश्वर जी को कि हम जो यहाँ बोल रहा हूँ मैं, वो भाषा विभाग से है। मेरा आग्रह है कि आप अपना आशीर्वचन भी दें और भी जो देना चाहे तो दे दें महाविद्यालय को श्री अमलेश्वर चतुर्वेदी। भारत माता की स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीधी लोकसभा क्षेत्र की यशस्वी सांसद माननीय रीति पाठक जी, आदरणीय दीदी, पार्श्ववर्ती विराजमान आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि धौनी विधानसभा क्षेत्र के यशस्वी विधायक कुंवर सिंह तेकाम साहब, इस संस्था के संस्थाध्यक्ष और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षीय आसन जी को स्वीकार कर रहे डॉक्टर डी एस तिवारी जी, मंच का संचालन कर रहे हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर रामलाल शर्मा जी, स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम के प्रभारी डॉक्टर मनमोहन सिंह तिवारी साहब, मेरे सामने विराजमान मेरे अनन्य श्रद्धा के भाजन प्राध्यापक वृंद, गुरुजन वृंद, मीडिया के साथियों, छात्रों, छात्र छात्राओं, भाइयों एवं बहनों, मैं एक मिनट में अपनी बात पूरी करूंगा। यह कार्यक्रम विशेष रूप से स्मार्टफोन वितरण का है और अन्य दो महनीय लोग अपनी बात रखने वाले हैं। पूरे देश में एक वैचारिक परिवर्तन दिखाई दे रहा है, पूरे देश में एक वैचारिक क्रांति दिखाई दे रही है, एक बदलता हुआ देश, एक बढ़ता हुआ देश, एक आगे की ओर मूव करता हुआ देश दिखाई दे रहा है। आप जानते हैं विचार दुनिया बदल सकता है। मैं अंग्रेजी का विद्यार्थी रहा, मुझे एक कोटेशन याद आता है जॉन मिल्टन का कि द थॉट्स कैन चेंज द हेल ऑफ हेवन, हेवन ऑफ हेल। व्यक्ति के विचार स्वर्ग को नरक और नरक को स्वर्ग बना देते हैं, और यही चिंतन और विचार एक व्यक्ति के परिवर्तन से लेकर किसी भी राष्ट्र के परिवर्तन के लिए कारगर कारण है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारी मध्य प्रदेश की सरकार और हमारे केंद्र की सरकार, दोनों ही सरकारें राष्ट्रवादी चिंतन से लबरेज हैं, और एक ऐसे स्वर्णिम काल में हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं जब विश्व मानक पर, विश्व परिधि पर भारत अपना प्रचंड लहरा रहा है। यह कार्यक्रम स्मार्टफोन वितरण का है। हमारे छात्र, हमारे युवा स्मार्ट हो, वो डिजिटल इंडिया की दिशा में आगे बढ़े। हमारी सरकारें जब से काम करना चालू कर रही हैं, चालू कर दी है, आपको ये देखने को निश्चित रूप से मिलता होगा कि एक ट्रांसपेरेंसी, चाहे वो डिजिटल इंडिया के रूप में हो, टेक्निकली डेवलपमेंट को लेकर, या संपूर्ण भारत को स्वच्छ करने के प्रयास को लेकर के डिजिटल बनाने का प्रयास हो, चाहे वह टेक्निकल क्षेत्र में डेवलपमेंट का विषय हो या भौतिक क्षेत्र में जमीनी स्तर पर स्वच्छता के अभियान का कार्यक्रम हो, दोनों ही दृष्टियों में हमारी सरकारें बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ये स्मार्टफोन हमें सब कुछ देने की सामर्थ्य रखता है। विचारों में सकारात्मकता की आवश्यकता होगी, किसी भी क्षेत्र में किसी भी विषय या वस्तु का प्रयोग उसकी पॉजिटिविटी पर ही निर्भर करता है। आपके विचारों की सकारात्मकता यह के साथ यह स्मार्टफोन आपको दुनिया का संपूर्ण ज्ञान कोश आपके हाथों में दे सकता है। आपके मुट्ठी में ज्ञान का एक ऐसा आगर, ज्ञान का एक ऐसा समुद्र है जिसका आप पूर्ण रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जिन छात्रों ने स्मार्टफोन प्राप्त किया उन सबको बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। हम सब आश्वस्त हैं आगे आने वाले वर्षों में
देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की एक संकल्पना थी कि 2021 के बाद भारत विश्व मंच पर अपने आप को श्रेष्ठतम देश के रूप में स्थापित कर पाएगा। इस स्वर्णिम युग के स्वर्णिम पंख दिखाई देने लगे हैं, अच्छे शुभ शकुन होने लगे हैं, देश काफी तेजी से आगे दिशा में आगे बढ़ रहा है। हम सब आश्वस्त हैं और उस क्षण की प्रतिष्ठा में प्रतीक्षा में है जब देश अपने पुरातन गौरव को प्राप्त कर पाएगा। अन्य विषयों की चर्चा, सरकार की योजनाओं की चर्चा माननीय जनप्रतिनिधिगण करेंगे। आदरणीय डॉक्टर साहब ने बुलाते हुए मुझसे आग्रह किया है, मैं इस संस्था का आपके द्वारा ही पाला पोसा एक पुष्प हूं। एक बड़ी समिति है जो देश में राजभाषा के विकास और प्रकाश के लिए काम करती है। आदरणीय डॉक्टर साहब, आप यदि एक विचार गोष्ठी का प्रपोजल बनाकर मुझे एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध करवाते हैं तो मेरी पॉकेट पावर थोड़ी कमजोर है, मैं बहुत पैसा तो नहीं दे सकता, पर 10,000 रुपए आपके विचार गोष्ठी के लिए राजभाषा समिति से प्रदान करूंगा। लेकिन यदि आप प्रपोजल अच्छे से बना पाए तो 25,000 रुपए तक की धनराशि केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय से हम आपको दिलवाने का पूरा प्रयास करेंगे। पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, जय हिंद, जय भारत।